सो फाइन फ्रेंड्स, सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है इंडिया में। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M13। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M13 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में एंड फाइव रीजंस नॉट टू बाय सैमसंग गैलेक्सी M13। नंबर वन होता है इस फोन का डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई एमुलर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फोन का स्टार्टिंग प्राइस है 12,000 के रेंज में आपको सभी कंपनी दे रही है एमुलेट डिस्प्ले। इसी के 10,500 के रेंज में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 11, उस फोन में आपको मिलता है एमुलेट डिस्प्ले। और 10,500 के रेंज में आपको मिलेगा मोटरोला का मोटो G31, उस फोन में भी आपको मिलता है एमुलेट डिस्प्ले। और 11,400 आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 12, उस फोन में आपको मिलता है एमुलेट डिस्प्ले। और 11,900 आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी F22, उस फोन में भी आपको मिलता है सुपर एमुलेट डिस्प्ले। तो यहाँ पे कंपनी दे रही है सिर्फ IPS डिस्प्ले, जो कि बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। नंबर टू होता है दोस्तों इस फोन का सेल्फी कैमरा। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है सिर्फ फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन का प्राइस है 12,000 के रेंज में आपको सभी कंपनी दे रही है फ्रंट पे 6 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड करे। इसी 10,000 के रेंज में आपको मिलेगा मोटोरोला का मोटो G22, उस फोन में आपको मिलता है फ्रंट पे 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और 10,500 के रेंज में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 11, उस फोन में आपको मिलता है फ्रंट पे 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और 10,900 आपको मिलेगा माइक्रोमैक्स का इन नोट 1, उस फोन में आपको मिलता है फ्रंट पे 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और 12,000 के रेंज में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 12, उस फोन में भी आपको मिलता है फ्रंट पे 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर मिलता एटलीस्ट फ्रंट पे 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देना तो चाहिए था। नंबर थ्री तो दोस्तों इस फोन का बैटरी। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है 6000 mAh का एक बहुत बड़ा बैटरी, जो कि डेटा इसमें आपको मिलता है सिर्फ 15W का चार्जर का सपोर्ट देता है। बॉक्स में भी 15W का चार्जर देखने को मिलता है। दोस्तों 12,000 के रेंज में आज सभी कंपनी दे रही है 33W का चार्जर बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करें। इसके 10,000 के रेंज में आपको मिलेगा टेक्नो स्पार्क 8 प्रो, उस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी प्लस 33W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देता है। बॉक्स के अंदर भी 33W का चार्जर देखने को मिलता है। और 10,500 के रेंज में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 11, उस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी प्लस 33W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देता है। बॉक्स के अंदर भी 33W का चार्जर देखने को मिलता है। और 12,000 के रेंज में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 12, उस फोन में भी आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी प्लस 33W का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। और 11,500 के रेंज में आपको मिलेगा टेक्नो पोवा 3, उस फोन में आपको मिलता है 7000 mAh का एक बहुत बड़ा बैटरी प्लस 33W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने मिलता है। बॉक्स में भी 33W का चार्जर देखने को मिलता है। और 13,000 के रेंज में आपको मिलेगा रेडमी नोट 11, उस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी प्लस 33W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने मिलता है। बॉक्स में भी 33W का चार्जर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंपनी दे रही है सिर्फ 15W का स्लो चार्जर, जो कि बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड है। नंबर फोर तो दोस्तों इस फोन का रिफ्रेश रेट। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन का टॉप रेंज का प्राइस है 14,000। दोस्तों 14,000 के रेंज में आजकल सभी कंपनी दे रही है 90Hz रिफ्रेश से लेकर 120Hz रिफ्रेश का सपोर्ट प्रोवाइड करे। 12,000 के रेंज में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 11S, उस फोन में आपको मिलता है 120Hz रिफ्रेश का सपोर्ट देखने को मिलता है। और 13,000 के रेंज में आपको मिलेगा मोटोरोला का मोटो G51 5G, उस फोन में आपको मिलता है 120Hz रिफ्रेश का सपोर्ट देखने को मिलता है। और 13,000 के रेंज में आपको मिलेगा रेडमी नोट 11, उस फोन में आपको मिलता है 90Hz रिफ्रेश का सपोर्ट देखने को मिलता है। और 14,000 के रेंज में आपको मिलेगा पोको को M4 Pro 4G, उस फोन में आपको मिलता है 90Hz रिफ्रेश का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंपनी दे रही है सिर्फ 60Hz रिफ्रेश, जो कि बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड है। तो बात करते हैं रीजन टू बाय सैमसंग गैलेक्सी M13। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M13 को परचेस करने का कोई एक भी रीजन नहीं है। अगर आपका 13,000 है तो परचेस करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M32, उस फोन में आपको मिलता है फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले, प्लस उनमें आपको मिलता है 90Hz रिफ्रेश रेट, प्लस उनमें आपको मिलता है 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप, प्लस उन्हें आपको मिलता है 6000 mAh का एक बहुत ही बड़ा बैटरी देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया सैमसंग गैलेक्सी M13 प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको पसंद है तो लाइक वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आप चैनल इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।